3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स ने एक ऐसी इम्पॉसिबल दिखने वाली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। इस इम्पॉसिबल से दिखने वाली बिल्डिंग को अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नयान की फरमाइश में बनाया गया था, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन एक ही तरफ झुका हुआ था। इसी वजह से इंजीनियर्स को डर था कि बिल्डिंग कहीं गिर ना जाए। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वैसे कठिनाइयां तो बुर्ज खलीफा को बनाने में भी शायद आया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो कि फिजिक्स के लॉस को तोड़ रहा था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी तैयार थे कि उसी समय अबू धाबी की ऑफिस की तरफ से लेटर आया कि बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड भी होना चाहिए। ये मैसेज इंजीनियर्स टीम के ऊपर पहाड़ बन के टूटा, क्योंकि इस बिल्डिंग का लोड पहले से ही अपने एक्सट्रीम लिमिट पर था। ना ही इंजीनियर्स ने हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी थी और ना ही बिल्डिंग का डिज़ाइन इसमें आता था। एक ही उपाय था, किसी भी तरह से इस बिल्डिंग को बनाया जाए, लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कैपिटल गेट एक ऐसी बिल्डिंग है जो न्यूटन के नियम को झिझोड़ दिया था। इस बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा वजन एक ही तरफ झुका हुआ था। कैपिटल गेट को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अबू धाबी के एक को ज़रूरत ही क्यों थी इस बिल्डिंग की। हमारे दुनिया में अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बनाने का दौर चल रहा है, जिसमें जीतेगा वही जो बेस्ट से बेस्ट बिल्डिंग बनाएगा। अब बात करते हैं कैसे इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर ने इस बिल्डिंग को अंजाम तक पहुंचाया। ये सब आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। इनको एक ऐसे डिज़ाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर ने कई डिज़ाइन को रिजेक्ट किए थे, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने समुद्र और रेत से इंस्पिरेशंस ली। आर्किटेक्ट जिसका नाम नील वैन डीरवैन ने दिन रात एक करके ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसकी समुद्री लहर की शेप हो। चैलेंज नंबर 2, कैपिटल गेट को बनाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम के हिसाब से 108 फीट हटा हुआ था। अब कंस्ट्रक्शन टीम को अब एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो लाखों टन वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टोनी आर्किबोर्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट किया। इस बिल्डिंग को बनाने में 400 कंक्रीट पाइप इस्तेमाल करने का फैसला किया, यानी बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप पर जमाया गया। लेकिन ये कोई फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकी हुई थी उसके नीचे 200 पाइप्स लगाया गया, जबकि दूसरी साइड लोहे की पाइप की लेंथ ज़्यादा रखे गए। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिज़ाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल में खुदाई की ज़रूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी ज़मीन से निकालनी थी। ज़मीन से निकलने वाली मिट्टी का वज़न ही 16000 हाथियों के वज़न के बराबर था। इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दिया था, क्योंकि ठीक 2 सालों बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर के पास सिर्फ 24 महीना का वक्त था जिसमें उनकी बिल्डिंग खड़ी होनी थी। ये चैलेंज मिलते ही अफरा तफरी मच गई थी। चैलेंज नंबर 4, दोस्तों, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह सूख गई थी, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आए। इसमें भी बहुत सी दिक्कत आई, लेकिन इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए 2 करोड़ 15 लाख किलोग्राम स्टील और 3 करोड़ 60 लाख किलोग्राम कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। इस बिल्डिंग के कोर को बनाने में 5 महीने लग गए। चैलेंज नंबर 6, इस बिल्डिंग की आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था।
इस बिल्डिंग के कोर को बनाने में 720 लोहे की छड़ का उपयोग किया गया, तब जाकर ये बिल्डिंग 3 सालों की मशक्क़त के बाद बन पाई। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए एक लाइक तो बनता है।